आज हम क्लास 12th की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स के बारे में जानेंगे। ये पोएम बेसिकली डील करती है उन विमेन पर जो अपनी मैरिजेस में सफ़र कर रही हैं लेकिन अपनी मैरिजेस से बाहर भी नहीं आ पा रही हैं। सो आंट जेनिफर इज़ वन ऑफ दोज विमेन जो अपनी मैरिज में उन अंकल से डोमिनेटेड है, अपने हस्बैंड से डोमिनेटेड है, बट वो इस मैरिज से बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि सोसाइटी नॉर्म्स की वजह से। सो आंट जेनिफर इज सिम्बॉलिक ऑफ सप्रेस्ड वुमनहुड जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसकी बात यहाँ पर कर रही है एंड्रियाने रिच। सो आइए देखते हैं आगे पोएम में क्या है। क्लास 12th पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स रिटन बाय एंड्रियाने रिच। सो रिमेंबर दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस पोएम deals with the suppression of women in marriage and women emancipation. So, ये दो themes के around ये poem revolve करती है। Suppression of women in marriage, मतलब जो dominance है male की in Indian marriages. Women emancipation, emancipation का simple meaning क्या है? किसी को restrictions से दूर करना, restrictions जो लगाए हुए हैं हमने किसी पर उसे उससे फ्री करना। सो इट सिंपली मींस लिबरेशन। विमेन को लीगली, सोशली सब तरह की फ्रीडम मिलनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिटरेरी डिवाइसेस फॉर दिस पोएम। फर्स्ट इज सिम्बोलिज्म। आंट जेनिफर इज सिम्बोलिक ऑफ सप्रेस्ड विमेनहुड। टाइगर्स याद रखना, टाइगर्स इंपॉर्टेंट है यहां पर। फर्स्ट स्टैंजा में और थर्ड स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में वो सिम्बॉलिक है किसके? ब्रेवरी, करेज, रॉयल्टी एंड शिविलरी के। बट इन द थर्ड स्टैंजा दे आर सिम्बॉलिक ऑफ द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी विच इज प्राउड एंड अनअफ्रेड। थर्ड इज वेडिंग बैंड और रिंग। वेडिंग बैंड और रिंग किसके सिंबल हैं? इट रेफर्स टू द बॉन्डेजेस इन द मैरिज एंड डोमिनेटिंग अंकल। जितने भी बॉन्डेजेस हैं हमारे एक मैरिज में वो एंड जो अंकल है, जो हस्बैंड है आंट जेनिफर के, उन्हें हमने अंकल रेफर किया है, वो डोमिनेटिंग है। नेक्स्ट इज ब्राइट टॉपाज एंड ग्रीन कलर। टॉपाज का मीनिंग क्या है? बेसिकली जो डार्क ब्राउन एंड येलो कलर है ऑफ द टाइगर्स, दैट कलर एंड ग्रीन कलर। Green color is symbolic of freshness and rejuvenation, whereas topaz means the brown and yellow color of the tigers. Second literary device is alliteration, which is very simple to understand. Fluttering fingers, F and F, similar sound is coming in two consecutive words. So that is an alliteration. Imagery. Imagery is something where you can imagine something, right? सो मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पे ये सुन के हमें एक मैसिव वेट, कोई भारी सी चीज याद आती है, राइट? बट यहाँ पे मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब क्या है? वेडिंग रिस्ट्रिक्ट्स अ वुमेन एंड इट इज अ हैवी वेट फॉर देम। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब है पोएटिक एडजेक्टिव और अ वर्ब। ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ यूज होता है? बेसिकली जैसे हम कोई चीज को डिफाइन करने के लिए वो वर्ड हम उस चीज के साथ ना यूज करके किसी और वर्ड के साथ अगर हम यूज करें, जैसे ट्रांसफर्ड एपिथेट इज यूज्ड इन टेरिफाइड हैंड्स। ऑब्वियसली आंट जेनिफर के हैंड्स टेरिफाइड नहीं है, उसके हाथ नहीं है डरे हुए, बट वो खुद हैं। सो उनकी जगह हमने यूज करने की जगह वी हैव यूज्ड द वर्ड टेरिफाइड विथ हैंड्स। सो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। एंड फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द केसेस जहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज होता है वहां पर एक से ज्यादा पोएटिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट इज पन। पन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जहां पर एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो। पन यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड रिंग्ड में। रिंग्ड जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग है द मैरिज रिंग विच यू वेयर इन योर फिंगर। Whereas implied meaning क्या है उसका? It means the foundations in marriage. Ring is a circle, right? It refers to the foundations in the marriage that the aunt has to restrict herself
2. Now let's begin with the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Tigers यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया they are symbolic of bravery, chivalry, fearlessness, royalty, courage, gentlemanly behavior. Prance is move about across a screen. Screen is the long piece of cloth on which Aunt Jennifer is making the tigers. एक cloth जहाँ पे Aunt Jennifer tigers को बना रही हैं. Bright topaz, denizens of a world of green. Topaz is yellow and dark brown color of the tigers. Denizens का मतलब है residents, जो लोग, residents of the forests. Of the green world is the forest we are talking about. They do not fear the men beneath the tree. जो लोग हैं, men यहाँ पे कौन हैं? The hunters, the travelers. Who pass by, who pass or rest under the tree, they are not afraid of those people. क्यों? क्योंकि tigers are ferocious and wild animals. So, ये question आता है बहुत बार कि why are they fearless? You'll write because they are ferocious and wild animals. Next, they pace in sleek, chivalric certainty. Pace is move about. Sleek means elegant, chivalric is honorable or gentleman type tigers. Certainty ka kya matlab hai? Is true about them. So their sleek, chivalric beauty is certain, is true about them. Ab second paragraph mein, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, fingers fluttering, fluttering ka matlab kya hai? Trembling. आंट जेनिफर के हाथ जो है वो कांप रहे हैं. शी इज शेकिंग, राइट? सो फिंगर्स फ्लटरिंग में एलिट्रेशन है. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. जो एक छोटी सी सुई होती है वो भी उनसे नहीं पुल हो पा रही है. सो बेसिकली शी इज एम्ब्रॉयडरिंग द टाइगर्स ऑन अ पैनल एंड जो आइवरी नीडल है वो भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है टू पुल. The massive weight of uncle's wedding band. Uncle's wedding band symbolize the dominating uncle here. They are the bondages and the foundations in the marriage. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So it sits heavily is her ring, which is in her hand, in her finger. It sits heavily upon her hand. The third and the last paragraph of this poem is, When aunt is dead, her terrified hands will lie. मतलब जब ये aunt मर भी जाएंगी तब भी उनके terrified hands is transferred epithet. उनके हाथ नहीं है terrified, but वो खुद है terrified. So her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. Still ringed मतलब ringed यहाँ पे pun है, as I told you earlier. So, first meaning is the marriage ring and second meaning is the foundations in the marriage. With ordeals she was mastered by. Ordeals ka kya matlab hai? Yehi do words likhna examination mein full marks milenge. The ordeals means the trials and tribulations. Ordeals ka matlab hai the trials and tribulations or the small tests jo unhe apni marriage mein dene padte hain. जो छोटे छोटे टेस्ट्स हैं जो उन्हें अपनी मैरिज में देने पड़ते हैं टू प्रूव हर सेल्फ एंड द ट्रायल्स एंड द ट्रिब्यूलेशंस द ऑर्डियल्स विच शी वॉज मास्टर्ड बाय. सो जो डोमिनेट करते थे जो ऑर्डियल्स जो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस उनको डोमिनेट करते थे उनकी बात हो रही है यहाँ पर. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड. The tigers. अब ये third stanza है. यहाँ पे tigers are symbolic of the male dominating society, which is proud and unafraid. Will go on prancing. Prancing is moving about quickly, proud and unafraid. So basically यहाँ पे क्या मतलब है कि जब Aunt Jennifer मर भी जाएंगी तब भी उनके हाथ में वो ring रह जाएगी and she would be known, she would be recalled or remembered as somebody's wife. And not as somebody who she herself was.
थर्ड स्टैंसा का एक और मीनिंग क्या है कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब भी वो पैनल्स पर टाइगर्स रहेंगे, वो प्राउड रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी विल ऑलवेज रिमेन अलाइव इवन इफ शी डाइज. सो सिमिलरली द आंट विल डाई बट द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी विल नेवर कम टू एन एंड. सो टाइगर्स आर सिम्बॉलिक ऑफ द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी विच विल नेवर एंड. ओके, सो यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन है इस पर्टिकुलर पोएम से जो आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स पता होने चाहिए. सो अब यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस गिवन है आपको, सो ये जरूर देख लेना. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक कांट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटर थ्रू हर वूल. इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आंट जेनिफर वॉज वीक, शी वॉज मीक, यू कैन से मीक एंड वीक. She lacked confidence in her marriage and she is very much dominated by the uncle in the marriage and the society norms do not allow her to come out of the marriage. So that is why her fingers flutter and her fingers tremble and she is in a terrific situation. Second important question is, what are the ordeals by which Aunt Jennifer is surrounded and what is the significance of the word ringed? So Aunt Jennifer is subjected to extreme suppression, we know it, we can state it in the answer. The word ordeals ka matlab maine aapko bataya hai, it means the trials and tribulations and the several tests that she has to pass to prove her worth in the marriage. And the word ringed, ye ek pun hai, I have told you. So pun ka do meaning hai yahan par, ek literal and ek actual meaning है. So it symbolizes the difficulties that surrounded Aunt Jennifer. The literal meaning is the wedding ring that she wears and the implied meaning indicates the ordeals and the foundations in the marriage she is surrounded by. Third question is, describe the image massive weight of uncle's wedding band. So this image suggests a lot of suppression and extreme exploitation which is experienced by the aunt because of her dominating uncle. So the image reinforces the burdens and the constraints of married life as experienced by Aunt Jennifer. Last but not the least, how do denizens and chivalric add to our understanding of the tigers? So denizens का मतलब मैंने आपको बताया residents है, chivalric मतलब honorable. So these words indicate that the tigers move about freely and boldly in their dignified habitat. Their honorable and dignified attitude is in contrast with Aunt Jennifer's circumstances as she lives under suppression and domination of her husband. So lastly, good luck students, thank you. Ooh, the trigger. Ain't nobody gonna-